Dear students, the 19th sum is Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000. Subha Rao ने 5000 के साथ जो है वो अपनी जो सैलरी वर्क था वो शुरू किया. मतलब कि स्टार्टिंग में उसको कितना मिल रहा था? 5000. ओके, बिगनिंग में उसने जो अपनी काम शुरू किया वो 5000 के साथ किया. देन रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर. फिर उसको 200 रुपीज का हर साल जो है उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट उसको मिलता रहा. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7000. कौन से ईयर में, कितने सालों में उसकी जो इनकम है वो पहले 5000 थी बिगनिंग में, अब 7000 पहुंच जाएगी. क्लियर? अब बिगनिंग में सब इसमें आपने एपी को अप्लाई करना है. एप्लीकेशन कैसे करनी है एपी कंसेप्ट की. अब आपको बिगनिंग में जो सैलरी थी वो कितनी थी? 5000. मतलब ये पहली सैलरी है उसकी, तो क्या आ जाएगा? ए इंक्रीमेंट. हर साल उसकी सैलरी जो है रुपीज 200 बढ़ती गई, तो ये जो 200 है ये क्या हो जाएगा? डी. राइट? अब कौन से साल में सैलरी 7000 होगी तो हमें नहीं पता कौन सा साल है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं? ए एन. और यहाँ से हम निकालेंगे एन, तो वी गेट कि कौन से साल में 7000 होगी. क्लियर? सो ए एन का फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ए एन इज इक्वल्स 7000 विच इज इक्वल्स टू ए 5000 प्लस एन माइनस वन डी इज 200. ये 5000 उधर चला जाएगा, शिफ्ट कर गया, साइन चेंज हो गया इसके, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200. आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 2000 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200. डिविजन पे चला जाएगा, डिवाइड हो गया इधर आगे 200, कटिंग हो गई है 10 एंड एन इज इक्वल्स टू 10 और ये वाली इधर गया, देन इट विल गो प्लस, तो एन इज इक्वल्स टू 11. कितने सालों में होगा? नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए फिर? 11 ईयर्स. 11 साल में इसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी.